अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करती हूँ खैर खरे से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं बारात पे। तो कल हमने मेहंदी का मैंने आपको फंक्शन दिखाया था, तो आज हम बारात में शामिल हो रहे हैं और आप मेरे साथ रहिएगा। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। तो आज हम आपको दिखाएंगे दूल्हा और दुल्हन और उनकी रस्में। तो गाइज़, आपने मेरा कल का व्लॉग इतना पसंद शायद नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, तो यार ऐसा ना किया करो, मेरा व्लॉग देखा करो, मैं आप लोगों की वजह से बनाती हूँ। अभी हम पहुँच आए हैं मैरिज हॉल में, तो ये बहुत ही खूबसूरत मैरिज हॉल है। इधर सारे गेस्ट आए हुए हैं, स्टेज पे अभी दुल्हन नहीं आई, हम थोड़ा लेट आए हैं, लेकिन गेस्ट वगैरह की आमद और रफ्त जारी है। गहमा गहमी है हॉल में, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे भी आए हुए हैं। तो ये दुल्हन आ गई है मेरी बेटी के साथ, क्योंकि वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है, इसको स्टेज पे लेके आए हैं। इधर से बारात भी आ गई है, दूल्हा साहब सामने खड़े हैं, वो सारे इसको वेलकम कर रहे हैं और मैं एक साइड से होके वीडियो बना रही हूँ आप लोगों की वजह से, आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि आप भी बहुत सारे क्यूट सारे हैं। तो अब खाना शाना लग गया है हॉल में और बहुत मज़े का खाना है और भूख भी ज़ोरों पर है, तो मैंने कहा चले हम खाना खा लें। आपने खाना है गाइस, तो आप भी आ जाएं, हम दुल्हन के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। आपको भूख तो नहीं लगी, आ जाएं जल्दी से। तो अब दूल्हे को हम ले आए हैं स्टेज की तरफ, तो सारी फ्रेंड्स और उसकी दुल्हन की जो भी फैमिलीज है वो बैठी हुई है, उन्हें रास्ता नहीं दे रही ऊपर जाने का, उनका रास्ता रोक लिया है। वो जो रस्में होती हैं ना, आपको पता ही है ना, पैसों शैसों वाली, तो वो रस्में शुरू हो गई हैं। तो अब दूल्हे को घेर लिया है सब ने, अब देखते हैं कि कितने पैसे मिलते हैं। तो गाइज़ इधर शोर बहुत ज़्यादा है, तो दूल्हे की बहन भी साथ खड़ी है, अब देखो क्या होता है। और बच्चियाँ पैसे मांग रही हैं और वो बुज़ुर्ग जो है ना पैसे ढूंढ रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी वो पैसे निकाल रहे हैं, उनसे पैसे भी लगता है मुश्किल से ही निकल रहे हैं। तो अभी वो अपने बैग को देखे जा रहे हैं, कितने पैसे निकालूं सोच रहे हैं। लो जी, इन्होंने तो 2000 रुपया निकाला इतने टाइम बाद। देखिए बच्चों ने 2000 नहीं लिया, उन्होंने फिर 5000 रुपया लिया है और दूल्हे को जगह दे दी है बैठने की। अभी दूध पिलाई की रस्म पता नहीं कब होगी, होगी भी या नहीं होगी, ये तो इनकी फैमिली का मसला है, हमारा थोड़ा ही मसला है। अगर हमारा होता तो हम ज़रूर दूध पिलाते। लो जी, मेरी बेटी बैठ गई है गिफ्ट देने के लिए उसे, और सलाम कराई शाही जो भी होता है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, क्योंकि हॉल का टाइम था 5 बजे तक और 4 बज गए हैं। तो अभी बारात आई है और बहुत लेट हो गई थी बारात, तो इन्होंने कहा जल्दी जल्दी जी रस्में करें। अब मेरी बेटी तो उठ गई है, जो भी उसने गिफ्ट वगैरह दिए। तो गाइस अब इनके ये सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं और अब रुख्सती का टाइम हो गया है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, शाम हो रही है, तो लोग कहते हैं जल्दी जल्दी करें, मैरिज का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। तो गाइस अब हम रात हो गई, हम घर वापस आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और देखिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट। ओके, अल्लाह हाफिज़।